एक अहम तरीन खबर। तहरीके मुस्लिम शब्बान की जानिब से मुनाकिद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो इन दिनों व्हाट्सएप पर वायरल हो रही है। एक मारूफ और जिम्मेदार तंजीम की जानिब से जारी इस वीडियो में बताया गया है कि 1.5 से 2 लाख अफराद जिनका ताल्लुक रियासत तेलंगाना से है, वो सऊदी अरब से मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर अपने वतन हैदराबाद वापस जाने के लिए बेचैन हैं, मगर उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। इस बयान में रियासत तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अफराद के जो आदाद व शुमार पेश किए गए हैं वो हैरान कुन हैं। इस सिलसिले में वसीला उर्दू टीवी ने सिफारत खाना हिंद रियाद से राबता किया, जिस पर सफीर हिंद डॉक्टर औसाफ सईद ने बताया कि सऊदी अरब में मौजूद हिंदुस्तानी बाशिंदे जिन्होंने वतन वापसी के लिए अपने नाम सिफारत खाने में रजिस्टर कराए हैं, उनकी जुमला तादाद 1,09,83 है। उनमें रियासत तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 4,819 अफराद हैं, और अगर रियासत आंध्र और तेलंगाना के जुमला रजिस्टर अफराद को जोड़ लिया जाए तो ये तादाद 7,036 बनती है। यानी ये तादाद किसी तरह भी मुबैना 1.5 से 2 लाख को नहीं पहुंचती। वाज़े रहे कि वंदे भारत मिशन के तहत सऊदी अरब में फंसे हिंदुस्तानियों को एयर इंडिया की खसूसी परवाजों के जरिए वतन वापस भेजने का सिलसिला मई 2020 के पहले हफ्ते से जारी है। ये तखलिया ऑपरेशन मरहलावार चल रहा है, जिसमें हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों बशमूल हैदराबाद एयर इंडिया की परवाजें चलाई जा रही हैं। इसकी रिपोर्ट्स वसीला उर्दू टीवी समेत दीगर अखबारों और टीवी चैनल्स पर पेश भी होती रही हैं। रियासत तेलंगाना के इंडियन एम्बेसी के साथ रजिस्टर्ड अफराद की जुमला तादाद 4,819 में से अब तक पिछले 3 मरहलों में 765 अफराद हैदराबाद जा चुके हैं। तखलिया ऑपरेशन का चौथा मरहला 14 जून से शुरू होगा। इस मरहले में भी हैदराबाद के लिए फ्लाइट शेड्यूल की हुई है। मुसाफरीन की तादाद को देखते हुए चौथे तखलिया ऑपरेशन के लिए एयर इंडिया के अलावा इंडिगो एयरलाइंस की खिदमात भी हासिल की गई है।